हेलो गाइस, आज हम प्रोबेबिलिटी के जो एक्सरसाइज 13.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या दिया है, अ डाई मार्कर 1 2 3 इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉक्सिन। बेटा यहां पे जो एक्टिविटी है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्या है, हमें एक डाई को टॉस करना है। ओके, एज यू ऑल नो, एक डाई में 6 फेसेस होते हैं टोटल, लेकिन यहां पे थोड़ा डिफरेंट है बेटा। उसमें 6 फेसेस ही है, लेकिन जो फेस 1, 2 और 3 है ना बेटा, ये किस कलर से लिखे हुए है, रेड कलर से। आई बात समझ, जो डाई में टोटल 6 फेसेस है, उन 6 फेसेस में से जो 1, 2 और 3 फेस वाले है, उनको किस कलर से मार्क किया गया है, रेड कलर से। और जो रिमेनिंग थ्री फेसेस है बेटा, वो है 4, 5 और 6, इन 3 फेसेस को ग्रीन कलर से मार्क किया है। दैट मीन्स इस डाई पे दो कलर के क्या है बेटा, फेसेस। 1, 2, 3 जो फेसेस है इनमें रेड कलर किया गया है, और 4, 5, 6 जो फेस है उनको ग्रीन कलर किया गया। ओके, अब चलो अगर ये है तो दैट मीन्स एक डाई के थ्रो करने पे हमारे सैंपल स्पेस क्या आएगा, वह आएगा 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, 5 या 6। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब हमें डाई को टॉस करेंगे, या तो ऊपर की ओर जो फेस आई आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ये हो गया सैंपल स्पेस ऑफ ए डाई थ्रोन वंस। आगे क्या लिखा है, लेट ए बी द इवेंट। ए इवेंट होना मतलब बेटा ए इस एस का सबसेट होगा। कैसा सबसेट है, लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज गिवन। चलो पहले ए को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गिवन ए इज द नंबर इज गिवन, नंबर इज इवन। बेटा ए किन आउटकम्स को बेटा रिप्रेजेंट करता है, इवन आउटकम्स को। तो ए में कौन कौन सा आउटकम आ सकता है बेटा, एस का 2 है, इवन 4 है और 6, इसमें आएगा 2, 4 और 6। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, एंड बी बी द इवेंट, नंबर इज रेड। बेटा बी उन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका कलर क्या हो बेटा, रेड। अब हमें देखना है रेड कलर का कौन कौन सा फेस है। डाई मार्कड 1, 2, 3 रेड, किस किस फेस को रेड से मार्क किया गया है बेटा, फेस 1, फेस 2, फेस। तो बी में आएंगे 1, 2 और 3। आर यू गेटिंग मी। आगे क्या लिखा है, द नंबर इज रेड, एंड आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही बता रखा है, अगर दो इवेंट्स ए एंड बी हो, ये तब इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा जब ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं, जब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आए, तब हम कहते हैं दो इवेंट्स क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ वी हैव टू इवेंट्स एज ए एंड बी, अगर हमारे पास दो इवेंट्स ए एंड बी है, इनको आप तब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई। तो ये हमें देखना है, तो हमें ये देखने के लिए कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होनी चाहिए पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता होनी चाहिए। चलो बेटा, गिवन इवेंट ए है तो यहां इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इट एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब बेटा देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। अपॉन में आता है बेटा इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, एस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6, तो 3/6। ऐसे करके बेटा जो इवेंट बी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी विच इज अगेन 3, अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 6। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम निकालेंगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन सा एलिमेंट। अब देखो बेटा यहां जो इवेंट है ए है, ये इवेंट बी है, अब कौन कौन सा वो एलिमेंट है जो यहां पे भी है और यहां पे भी, दैट्स कॉमन एलिमेंट्स। एंड आई सी हियर द ओनली एलिमेंट कॉमन टू ए बी इज व्हाट बेटा, 2। एक ही एलिमेंट इनके बीच कॉमन है, विच इज 2। आई बात समझ,
तो यहां पे लिखेंगे इसके साथ ही बेटा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो इवेंट है बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है, अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल सिक्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं इसको ऐसे, देयरफॉर नाउ हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें निकली 1/6 के इक्वल, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, अगर वो किसके इक्वल हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, तब हम कहेंगे ये जो दो इवेंट्स है ए एंड बी ये इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज दे आर नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू किसके इक्वल बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/6 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 3/6 है। अब यहां से देखो बेटा क्या कैंसिल आउट होगा, 3 1 3 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 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
probability of A intersection B is not equal to probability of A multiple probability of B. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी इसके प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती, तब हम कहते हैं इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बट ये इक्वल नहीं है, तो इट इंप्लाइज दैट ए जो इवेंट्स ए एंड बी है आर नॉट इंडिपेंडेंट. चलो बेटा बात समझ में आई. जब भी आपको इवेंट्स देखने हो कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बस आपको ये चेक करना है कि उन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दो इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है कि नहीं. अगर होगी तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे. चलो बेटा इस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? एक इवेंट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है. दूसरा दिया गया है बेटा इवेंट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है पी के इक्वल, दैट्स अननोन, पी हमें पता नहीं किसके इक्वल है. आगे लिखा गया बेटा आपको इस पी की वैल्यू निकालनी है, इस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी की वैल्यू निकालना मीन्स हमें बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तब जब ये दो इवेंट्स इफ ए एंड बी आर फर्स्ट केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, आपको बेटा ये कंडीशन यूज करनी है कि गिवन दो इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब आपको इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और फिर सेकंड केस में बेटा आपको क्या करना है, आपको ये मानना है इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तब भी आप उस केस में भी आपको इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. चलो फर्स्ट केस की बात करते हैं बेटा. फर्स्ट केस की बात करते हैं, गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये गिवन है कि ये दो इवेंट्स क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फर्स्ट केस में अगर दो इवेंट्स बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो सेट थ्योरी में मतलब होता उसका कि वो दो इवेंट्स या दो वो दो सेट्स डिसजॉइंट होते हैं. डिसजॉइंट का मतलब यह होता है बेटा कि उन दो के बीच में कॉमन कुछ नहीं है. दैट्स ए इंटरसेक्शन बी किस सेट के इक्वल होगा? फाइव सेट के इक्वल. इट इंप्लाइज दैट जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं, वो आएगा जीरो अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, वो किसके इक्वल होता है बेटा? जीरो. तो बस आप ये याद रखिएगा जब भी आपसे कभी दिया गया हो कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप ये लिखना कि उन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल. तो चलो बेटा अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें? प्रोबेबिलिटी ऑफ, एज यू ऑल नो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पढ़िए ना बेटा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह हमने पढ़ी थी उसका टॉपिक उसी टॉपिक में मैंने ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. अब बताओ बेटा इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन दैट्स 3/5 इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है बेटा व्हिच इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन नहीं है दैट्स एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी के इक्वल है इसी की वैल्यू हमें निकालना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी हमने निकाली दैट्स इक्वल्स टू
जीरो। बस इस 1/2 को बेटा लेफ्ट साइड में ले देंगे, आएगा 3/5 -1/2 इक्वल्स टू पी। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, 3 2 3 6 -5 6 -5 आएगा 1, 1/5 2 10, तो p की वैल्यू आएगी बेटा 1/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p, दैट्स एक्चुअली b इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आई 1/2। अब बेटा सेकंड केस कंसीडर करते हैं। इसमें गिवन क्या है कि दो इवेंट जो गिवन है a एंड b, ये इंडिपेंडेंट है। m लिखेंगे as events a and b are independent, जब गिवन दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो इसका मतलब ये हुआ इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होके होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तभी हम दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं जब उन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दो इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो। इट फर्दर इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या इक्वल है, नहीं, इट इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है बेटा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट्स पी। आई बात समझ में, तो हो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 1/2 माइनस बी। देखो बेटा यहां पे हमें पी की वैल्यू नहीं लिखनी थी, तो हम इस फॉर्मूला का फिर से यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। अस वी नो हम लिखेंगे यहां पे, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस probability of A intersection B by literalized possibility. Probability of A union B given है 3/5 equals to probability of A given है 1/2 plus probability of B है B minus times probability of A intersection B. अब देखो बेटा ऊपर वाले स्टेप से हम probability of A intersection B किसके इक्वल है 1/2 multiplied by B। आई बात समझ, इस 1/2 को मैं यहां लेता हूं बेटा, ये आएगा 3/5 -1/2 इक्वल्स टू, इस वाली टर्म में भी पी है, इस वाली टर्म में भी पी है, तो पी कॉमन लेते हैं, यहां रह गया 1, यहां रह गया 1/2, 3/5 -1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 2 6 5 6 5 आएगा न्यूमरेटर में 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा 5 × 10 तो आएगा 1/10 इक्वल्स टू, पी कॉमन है 1 -1/2 बेटा 2 -1 दैट्स 1/2 आएगा मल्टीपल में। अब देखो ये 2 यहां मेरे डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट साइड में होगा मल्टीपल, या अगर 2/10 इक्वल्स टू पी, इट इंप्लाइज दैट 1/5 इक्वल्स टू पी, और हम लिखे पी की वैल्यू हमें बेटा क्या है 1/5। दिस दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ पी। जब हमने ये कंसिडर कर दिया कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब पी की प्रोबेबिलिटी आई, पी की वैल्यू आई 1/10। तो जब हमने ये कंसिडर ये माना कि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो तब पी की वैल्यू 1/5। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन क्या दिया गया है कि एक इवेंट है ए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, दूसरा इवेंट है बी जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। आगे लिखा गया है सच दैट ये जो दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ये बेटा किस तरह के इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई बात समझ में, तो यहां मैं लिख पाए, जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन के पहले मैं लिखूंगा गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर, ये गिवन दिया गया है ना बेटा, हम नहीं मान रहे बिकॉज इट इज गिवन। जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमें पता है कि ये किस टाइप की कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये इस टाइप की कि इनके इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब होती है किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब बेटा, जब ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो तब हम ये नहीं लिख सकते। ये हमने कैसे लिखा कि इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी होती है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के।
अब देखो बेटा हमें इन चीजों की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले फर्स्ट चीज की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हमें इस चीज का यूज करेंगे बेटा। क्यों इस चीज का यूज करेंगे? हम लिखेंगे ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तब इन के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। सिंस हम लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट फर्दर इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, बेटा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.4। तो फॉर टाइम बीइंग आप मान लो जैसे कि डेसिमल है ही नहीं, जैसे कि पॉइंट है ही नहीं, जब पॉइंट हम खत्म कर दे तो 0.3 बन जाएगा 3, तो 0.4 में डेसिमल हटा दे तो 0.4 बन जाएगा 4, 3 टाइम्स 4 कितना आएगा बेटा 12 आएगा ना। अब देखो क्या करना होता है, यहां पे डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स थे 1, यहां पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स थे 1, तो 1 और 1 कितने हुए 2। अब हमें पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट्स रखने हैं, तो 1 2 ऑलरेडी है, तो ये आएगा 0.12 आई बस है, तो ये आएगा बेटा 0.12 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी पार्ट में बेटा हम इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडियन बी। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडियन बी। हम लिखेंगे हाँ वे नो, अगर हमारे पास दो इवेंट्स हो तो उन दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, कौन से होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बेटा 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4 माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें अभी मिली हो गया बेटा 0.12। अब बेटा इन दो को पहले सम करते हैं, 4 प्लस 3 क्या आएगा 7, डेसिमल की जगह डेसिमल 0 प्लस 0 आएगा 0, 0.7 माइनस 12 सॉरी माइनस 0.12। अब देखो बेटा यहां माइनस करना है, यहां तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो एक और डिजिट लाने के लिए हम यहां 0 लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बेटा 0 में से माइनस करना है 2, 0 में से माइनस 2 नहीं कर सकते, लेकिन यहां से मान एक कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 माइनस 2 आएगा बेटा 8, 10 माइनस 2 8, अब यहां कितने रहेंगे ओनली 6, 6 माइनस 1 आएगा 5, डेसिमल की जगह डेसिमल 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा ए यूनियन बी। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट की ओर, व्हाट इज द थर्ड पार्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही फॉर्मूला का यूज बेटा बार बार किया, हाँ बताओ इसका मतलब क्या होता है, कितने चांसेस है कि इवेंट ए ऑकर हो जब इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर हुआ हो। तो इसको हम पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, किसके इक्वल होती बेटा फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, इन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में लिखते हैं, अपॉन में किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, बार बार मैं वहां बताता था जो इस बार के बाद लिखा हुआ इवेंट, कौन सा इवेंट है सेकंड इवेंट यहां पे बी, तो अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम सबको हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.12, अपॉन में आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों है 0.4। तो बेटा सिंपलीफाई कर दो, देखो बेटा यहां है डेसिमल के बाद दो स्टिच, तो डेपॉन में करना है 100 से मल्टीपल, तो 0.4 है, देखो बेटा क्या आएगा 12/40 आएगा बेटा, बिकॉज हमने यहां पॉइंट जो है दो डिजिट तक यहां लिया, तो यहां लेकिन एक ही था, तो यहां 0 आएगा इसके साथ 12/40 को, वैसा देखो अगर 12 को तो 40 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे तो यहां देखो बेटा यहां अगर 0 लेंगे तो यहां आएगा डेसिमल पॉइंट, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा 100, तो 0.3 आएगा बेटा या 0.3 लिखो, इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी है। एंड फोर्थ पार्ट है, आई होप ये आपसे खुद करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड, ये आप लिखोगे इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वो क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखो बेटा इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्यों है, हमें दिया गया है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 के इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 के इक्वल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 के इक्वल हो, तब आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, अगर इसको समझा जाए तो इसका मतलब है आप ये बताओ कितने चांसेस है ना इवेंट ए ऑकर हो और ना ही इवेंट बी ऑकर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, कितने चांसेस है इवेंट ए के ना होने के और इवेंट बी के ना होने के। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 8 तक या पिछली एक्सरसाइज में, तो अभी तक यूजुअली हमसे पूछा जाता था कितने चांसेस है इवेंट ए ऑकर होगा, कितने चांसेस है इवेंट बी ऑकर होगा, या कितने चांसेस है इवेंट ए और इवेंट बी ऑकर होगा, या कितने चांसेस हो गए इवेंट ए और इवेंट बी ऑकर हो। लेकिन अब इसमें पूछा गया है कितने चांसेस है इवेंट ए ना ऑकर हो और इवेंट बी भी ना ऑकर हो। चलो बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ Not A and probability of not B। पहले इस चीज को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, फिर फॉर्मूला की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, अगर आपको याद हो जब मैंने प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने एक जगह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी नॉट ए पढ़ाया। नॉट ए अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ए का मतलब है ए के ऊपर डैश डालो, एंड का मैंने बार बार बताया है अगर आप सिंपलीफिकेशन करते हो तो आप एंड की जगह मल्टीप्लीकेशन लगाओ। लेकिन बेटा यहाँ सिंपलीफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ सेट्स के साथ हम डील कर ले अभी तक, तो यहाँ एंड की जगह क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन। मैंने बता रखा है एंड मीन्स इंटरसेक्शन, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अब आप जब आप नंबर्स में बीच में क्या करते हो सिंपलीफिकेशन प्लस माइनस लाइक दैट, तो तब आप एंड की जगह लिखोगे मल्टीप्लीकेशन साइड। लेकिन जब आप सेट्स से के साथ डील करते हो तब आप एंड की जगह लिखोगे इंटरसेक्शन। एंड नॉट बी का मतलब को बेटा बी के ऊपर लगाओ डैश। तो हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा अगर आपको सेट थ्योरी याद हो ना, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था उसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटा? अगर दो इवेंट्स ए एंड बी हो, अगर दो सबसेट्स ए एंड बी हो, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है कि बेटा किसके इक्वल? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन के उल्टा लिखना है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बाई डिमॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी को चेक कर सकते वाले होंगे इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी का होल, बी की अपनी जगह इसको लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ? यह इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बिकॉज वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो इसकी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लाइक दैट नहीं है। तो हमने इसको बाय डिमॉर्गन्स लॉ इसमें कन्वर्ट कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो और हमने इसी इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था अगर सपोज कोई इवेंट एक्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एक्स, एक्स के ना होने के चांसेस कितने होती है बेटा? आप मुझे ये बता पहले किसी भी इवेंट के ज्यादा से ज्यादा होने के कितने चांसेस होते हैं? 100%। लेकिन 100% को हम प्रोबेबिलिटी में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी चीज के होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? 1। अब यहां हमसे पूछा जा रहा है आप ये बताओ एक्स के ना होने के कितने चांसेस होंगे? वो तो है ना बेटा सिंपल, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के होने के चांसेस। देखो बड़ा बात को समझिए, तो फॉर्मूला है लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इस चीज को समझो, कितने चांसेस है कि इवेंट एक्स ना ही ऑकर हो, ये हमने लिखा, ये तो होगा इसके इक्वल जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है विच इज 1, उसमें हम माइनस कर दे एक्स के होने के चांसेस, तो वहां क्या बच रहा होगी बेटा? एक्स के ना होने के चांसेस। वही लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब देखो बेटा हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज यहां पे है,
यहां पे क्या है बेटा, ओनली एक्स की जगह ए यूनिटी है। अगर आप इसमें से बेटा इस फॉर्मूला में x की जगह a यूनियन b लिख दो, तो देखते हैं क्या मिलेगा। x की जगह a यूनियन b लिखेंगे तो a मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b नॉट a यूनियन b, वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। बात आई बेटा समझ में। इसी फॉर्मूला में हमने x की जगह a यूनियन b लिखा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कंप्लीमेंट इक्वल्स 1 माइनस। तो यही है ना बेटा, हम probability of not getting a union b, it will be by this formula equal to 1 minus probability of a union b। अब हमें ये formula पता है a किसके equal होती है, तो हम further continue करते हैं बेटा। it equals to 1 आप लीजिएगा minus probability of a union b, as you all know equals to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b। It is for the option 1 minus probability of A as given है बेटा 1 upon 4 plus probability of B given है 1 upon 2 minus probability of A intersection B किसके equal है बेटा 1 upon 8। अब इन दो के बीच पहले करते हैं बेटा क्या, cross multiplying। 1 upon 4 plus 1 upon 2 cross 2 1 is 2 plus 4 1 is 4 2 plus 4 कितना है बेटा 6 upon 4 2 is 8 minus 1 upon 8। देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स हमारा एलसीएम 8 आएगा 1 माइनस, तो एलसीएम 8 यहां आएगा 6 माइनस 1 बेटा हुआ 5 अपॉन 8, तो ये आया 1 माइनस 5 अपॉन 8। अब यहां देखो बेटा जिसका कुछ डिनोमिनेटर होगा 1 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 1 इज 8 माइनस 5 अपॉन 1 टाइम्स इट आएगा 8 माइनस 5 होता बेटा 3 अपॉन 8। दिस इज देयर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि ना इवेंट ए ऑफर हो और ना प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 8। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 9।